यार। हरिद्वार से काफ़ी पहले उतार दिया है बस ने, मेरे ख्याल से जो कुंभ है, कुंभ की वजह से। तो अब यहाँ से शटल बसेज हैं जो यहाँ से लेकर के हर की पौड़ी के पास पहुँचाएंगी। तो देखते हैं कैसी शटल बसेज है। आ गए, ये फ्री बस सेवा थी यहाँ से, जो हम जिस बस से आए थे वहाँ पे पीछे ही रोक दी गई थी कुंभ की वजह से, सिक्योरिटी रीजन या जो भी कहें आप। और हरिद्वार में आने के बाद यहाँ की रौनक ही कुछ और होती है, मतलब अजीब सी शुद्धता महसूस होता है, मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, स्वर्ग की अनुभूति होती है। मतलब एक और मैंने हमेशा महसूस किया है कि यहाँ पे जो हवा चलती है इतनी सुंदर, मतलब दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप मतलब उड़ने का मन करता है। तो ये रात का वीडियो है, हो सकता है उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप काम चला लीजिए। हर की पौड़ी पहुंच गए हैं और यहाँ से पैदल जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हर की पौड़ी पहुंच चुका हूँ। बस आपको दिन में जब मॉर्निंग में कुछ चीज़ें होंगी मैं उसको शूट करूँगा और गंगा स्नान करूँगा। तो ये हरिद्वार की एक सुंदरता देखिए आप, ये आप देखें बहाव पानी का।
जय हो जय हो। ये आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से मनसा देवी हैं ऊपर यहाँ ये सामने। कृपया ध्यान दो, एक आवश्यक सूचना, पीटीआर के पास फेडरल मार्ग में गाड़ी की संख्या 007। तो ये आप देख रहे हैं हरिद्वार में इतनी अच्छी हवा चल रही है, तेज तेज हवा चल रही है, मतलब मजा आ रहा है। और ये जो मैं गंगा नदी बहते हुए देख रहा हूँ तो एकदम दिल खुश हो जा रहा है। माफ कीजिए रात का वीडियो तो उतना बढ़िया तो नहीं है, जो मैं देख पा रहा हूँ पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा। क्या कह रही है? हाँ धार दो, कितना बढ़िया है। एक आवश्यक सूचना, कृपया ध्यान दो, महिंद्रा SUV 500 कार, गाड़ी नंबर UK 07 UN 3950 व I20 कार PG 07 BG 77। ये हर की पौड़ी की दुकानें हैं, देखिए आप ये ध्यान दें। परवीन जो महाराष्ट्र से आए हैं, आपके विचार की वसंतराव भानदार सुभाष घाट पे, आप सुभाष घाट पे पहुंचे। अभी सुबह के 4 बजने वाला है, अभी 6 मिनट बाकी हैं। हमने गंगा स्नान कर लिया है और जो मेरे साथ जो भी लोग हैं वो पूजा करने के लिए गए हैं। यही मेन जगह है जहाँ पूजा होता है, ये जो सामने आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अभी चप्पल जूते सब कोई पहन के नहीं जा सकता उधर। और यहाँ 6 बजे के बाद फिर साधु संत दिन भर ना आएंगे और एक भी आम जनता यहाँ पे नहीं रहेगी। सभी आम जनता को बाहर यहाँ से हटा दिया जाएगा और केवल जो भी साधु संत नागा मतलब जो भी हैं वो केवल स्नान करेंगे यहाँ पर।